भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। कई त्योहार ऐसे हैं जिनकी शुरुआत गाय का आशीर्वाद लेने के बाद की जाती है और कई लोग तो गौमूत्र पीकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज आलम यह है कि गौधन सड़कों पर आवारा घूमने को मजबूर है, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और जिस गौधन को निगम द्वारा जिला के कैटल पाउंड में पहुंचाया गया है, वहां भी इनके रखरखाव की तरफ कर्मचारियों द्वारा कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैटल पाउंड पक्का ना होने की वजह से इन बेजुबानों को पानी में बैठना पड़ रहा है, जिस वजह से ये बेजुबान बीमार हो रहे हैं। ऐसे में इन बेजुबानों को दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए समाज सेवी संगठन PCT ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सलारिया सामने आए, जिन्होंने इस गोधन के रखरखाव करने की इच्छा जाहिर की है ताकि इन बेजुबानों को भी बेहतर जिंदगी मिल सके। एनस्टा न्यूज के लिए पठानकोट से शम्मी सनोत्रा की रिपोर्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता है कि देखो, कोई बंदा एक छोटा जा व्हीकल भी लेंदा है तो उसके कॉस्ट टैक्स लगता है और कई ऐसा संस्थावां जिहड़ियां इन्हां चीज़ां ते फंड भी कलैक्ट कर दी है, सरकार की तरफों भी मदद मिलती हैगी है, तो फिर वो फंड कित्थे जा रहा है? ये मैनू तो इत्थे आ जो दिस रहा है, तुसी ये अपने अखां दे तुसी आई विटनेस है, तुसी देख सकते हो जो इत्थों दे हालात है, ठीक है। सो मैनू ये चीज़ की भी हैरानगी है कि इत्थों की जिहड़ी लोकल साडी पब्लिक हैगी है, उन्होंने भी ये चीज़ के प्रति सोचना चाहिए है कि एक साडा फर्ज बनता है कि अगर कित कोई इस तरह की कोई गुस्ताखी कर रहा है तो वो प्रति इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए है, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ लैके जानी चाहिए है, इस चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए है कि ये कमी और त्रुटियां कितने रह रही है और इन चीज़ों के उत्ते अमल करना चाहिए है, और ताकि आने वाले समय के गावों जिन्हों असी बड़ा सत्कार नाल माँ के रूप के लोग इस चीज़ को पूजते है, तो जो इन्हों की इन्नी दर्दनाक हालत हैगी है। और मैं यो ही कहना चाहता है बार बार कि जिन्या भी गावं वो चाहे किसी भी पंजाब के स्टेट के किसी भी कहते ना कि एरिए है, उन्होंने करीबी गौशाला के पुजाण के वास्ते मैं वचनबद्ध हाँ और मैं कहूँगा कि वो जिस तरह भी लैके जाना चाहे मेरे नाल संपर्क कर सकता, मैं करूँगा। सर वो मैं ये कहना चाहना कि इन्हां दे लई कोई तूड़ी की जिहड़ी बंदोबस्त हैगी, असी खुद एक जिम्मेदार है, असी तूड़ी का भी इहदा हल करांगे, पराली का हल करांगे, कोई जिस तरह जवार हैगी टांडे वगैरह होंगे है सुखा जरा। देखो असी एक साढ़े को एक कंपनी हायर की है जिड़ी कि राजस्थान तो आती है, तो जिदा काम हैगा भाई उन्होंने अपनी ही साधन है सारे, वो साढ़े शहर च आते हैं, वो फिर एक महीना साढ़े शहर च रह के ते वो सारे पशु जोड़े है वो चक लेंगे ने गड्डी राही अपनी, तो उसके बाद वो साड़िया गौशाला च उत्थे पहुँचा देंगे ने, तो जदों एरिया क्लीयर हो जाता तो फिर वो चल जाते हैं, क्योंकि उन्हां कोल कंट्रैक्ट ऑलरेडी काफ़ी सारे शहरों का हैगा, तो राजस्थान की कोई कंपनी है, तो मेरी नॉलेज आया पशुओं बारे तो असी उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, एक दो दिन मैं उम्मीद है भी उन्होंने आ जाना, तो फिर वो अपना सारा समान लैके इतने जो आ जाएंगे तो शायद वो इतने मेरा कबाड़ धर्मशाला रेंदे ने, तो महीना एक लगा के सारे इनू जड़े पकड़ के ते अपने गौशाला के हवाले करके ते चले जाएंगे। देखो मैं तुहानू इहदे बारे भी दसना चाहना, साडी सरकार असी कारपोरेशन खुद असी इन्हां दे रख रखाव नू पूरा असी दृढ़ता दे नाल बड़े एहतियात रख रहे हैं, क्योंकि सारिया चीज़ा यकदम नहीं होती, जिस तरह सानू समस्यावां आंदियां, कई जगह ही शैड बनाए आ, कई जगह असी ट्रैलां वगैरह लगा रहे हैं, ये सारा कुछ साडा नाल दी नाल चलता पिया, जिते जिते इस तरह की समस्या हैगी अं उन्हों ठीक करांगे। सर एक संस्था आया PCP नाम तो संस्था आया, उन्होंने फाउंडर जिहड़े आ विजिट करते गए, उन्होंने कहना